दोस्तों आप एक कहानी सुनाता हूँ एक सेठ जी की। एक नगर में एक सेठ जी रहते थे, उनके पास बहुत धन संपदा थी, अथार धन संपदा के मालिक थे, उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी। तो दोस्तों बैठे बैठे सेठ जी के मन में विचार आया कि मेरे पास कितनी धन संपदा है, कितनी प्रॉपर्टी है, उसका आंकलन किया जाए। तो दोस्तों सेठ जी ने अपने लेखा अधिकारी को बुलाया और उसको आदेश किया कि मेरे पास कितनी धन संपदा है उसका आंकलन करके मुझे रिपोर्ट पेश की जाए। तो लेखा अधिकारी जी अपने काम में लगे, 5-6 दिन लगे उनको रिपोर्ट तैयार करने में। एक दिन अपनी रिपोर्ट लेके वो सेठ जी के समक्ष उपस्थित हुए तो सेठ जी ने पूछा, बताइए लेखा अधिकारी जी, मेरे पास कितनी धन संपदा है? तो लेखा अधिकारी जी ने कहा कि सेठ जी, मोटे मोटे तौर पे बताऊँ तो आपकी धन संपदा इतनी है कि आपकी 7 पीढ़ी बिना कुछ किए बैठकर खाए तो भी उनको दिक्कत नहीं आएगी। यानी कि आपकी 7 पीढ़ी के लायक आपके पास धन संपदा है, आपकी 7 पीढ़ी भूखे नहीं मरेगी, 7 पीढ़ी सुख भोग सकेगी, इतनी आपकी धन संपदा है, ये मोटा मोटा आंकलन है। ये बात बोलकर लेखा अधिकारी जी चले गए। लेखा अधिकारी के जाने के बाद में दोस्तों सेठ जी एक चिंता में घुस गए, ये क्या मेरी 7 पीढ़ी बैठकर खा सकती है, तो क्या मेरी 8वीं पीढ़ी भूखे मरेगी? दोस्तों उस दिन से सेठ जी को चिंता सताने लगे कि मेरी 8वीं पीढ़ी भूखे मरेगी, मेरे पास मेरी 8वीं पीढ़ी को खाने के लिए कुछ भी नहीं है। यह चिंता करते करते सेठ जी की भूख कम होने लगी, सेठ जी की भूख बंद हो गई, उनका शरीर जर्जर होने लगा, उनको चिंता इतनी सताने लगी कि वो शरीर से दुबले पतले होने शुरू हो गए। ये बात सेठानी जी को पता देखी तो सेठ जी की हालत देखकर उसे रहा नहीं गया और बार बार पूछा, लेकिन सेठ जी सेठानी जी को ये बात बताने में सक्षम नहीं थे, ये नहीं बता पाए। धीरे धीरे दोस्तों एक दिन सेठानी जी ने कहा कि सेठ जी आप एक काम करो, आप किसी संत समागम में जाओ, वहाँ आपको आपकी चिंता का कुछ हल निकल सकता है। तो दोस्तों ये बात सेठ जी को अच्छी लगी और वो सोचे क्यों न संत समागम में चल के किसी संत से हम राय लें या उनको अपनी चिंता बताएं तो हो सकता है मेरी 8वीं पीढ़ी भूखे मरने से बच जाएगी, वरना ये तो अनर्थ हो जाएगा, मेरी 8वीं पीढ़ी भूखे मरेगी। तो दोस्तों उस चिंता को लेके सेठ जी संत समागम में चले गए, वहाँ संतों का जमावड़ा था। तो वो अपने जान पहचान वाले एक अच्छे बड़े संत से एकांत में मिले और उनको अपनी चिंता बतानी शुरू की कि महात्मा मेरे ऊपर बहुत बड़ा दुख है, मेरी बहुत बड़ी चिंता है, उसका निवारण कैसे करके आपको करना पड़ेगा और आप जो बताएंगे वो यज्ञ हवन जो दान पुण्य जो करना है वो मैं करूँगा, लेकिन मेरा ये दुख निवारण होना चाहिए। तो दोस्तों संत महात्मा ने वो बात सुन के बोला कि ये तो छोटी प्रॉब्लम है, कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ही नहीं है, आपको इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी 8वीं पीढ़ी भूखे नहीं मरेगी, मैं उसका उपाय आपको बता दूँगा। तो दोस्तों संत महात्मा ने सेठ जी को कहा कि सेठ जी आप एक काम करो, आपके नगर के अंतिम छोर में, आप जिस नगर में रहते हैं उस नगर के अंतिम छोर में लास्ट में एक बुढ़िया की कुटिया है, वहाँ एक बुढ़िया रहती है, एक बूढ़ी माँ रहती है, उसकी कुटिया है, उसको आधा किलो आटा दान करके आ जाओ तो आपकी 8वीं पीढ़ी भूखे नहीं मरेगी। ये बात सुन के सेठ जी बोले, आधा किलो आटो में 8वीं पीढ़ी भूखा नहीं मरेगी? हाँ बोला, आप उस बुढ़िया को आधा किलो आटो दान करके आ जाओ, आटा
आपकी आठवीं पीढ़ी भूखे नहीं मरेगी। ये बात सुन के सेठ जी वहाँ से निकल गए, घर आए। घर आके सेठ जी सोचे कि अगर आधा किलो आटा देने से मेरी आठवीं पीढ़ी भूखे नहीं मरेगी तो मैं आधा किलो ही क्यों करूँ, मेरे पास तो बहुत है। मैं 15-20 किलो लेके जाऊँ तो मेरी आने वाली 15-20 पीढ़ी भूखे नहीं मरेगी। तो दोस्तों सेठ जी ने अपने मुनीम जी को साथ में लिया और एक पिंपा। दोस्तों वो धनवान सेठ जी वो 15-20 किलो आटा लेके, वो पिंपा आटे का भर के लेके उस बुढ़िया के कुटिया पे पहुँचते हैं और कुटिया पे दस्तक देते हैं और बुढ़िया को बोलते हैं कि माँ जी मैं आपके लिए कुछ लेके आया हूँ। बुढ़िया बाहर आती है और बोलती है क्या लाए हो। तो वो सेठ जी बोलता है कि मैं आपको आटा भेंट करना चाहता हूँ जिसकी आप रोटियाँ बना के खाओ, आप गरीब हो। तो वो बूढ़ी माँ बोलती है कि आज मेरे घर पे मेरे पास आधा किलो आटा है, मेरे पास घर में पर्याप्त आटा है, मुझे आज आटे की ज़रूरत नहीं है और मैं कल के लिए आटा नहीं रखूँगी। जब मुझे आज खाने के लिए जिसको चिंता है वो दे रहा है तो मैं कल की चिंता व्यर्थ क्यों करूँ, तो मुझे आटा नहीं चाहिए। तो सेठ जी बोले ठीक है 15-20 किलो मत रखो, आधा किलो तो रख लो, कल रोटी बना के खा लेना। तो बूढ़ी माँ ने उस बुढ़िया ने स्पष्ट मना कर दिया कि मैं आधा किलो आटा ही नहीं रखूँगी, मेरे पास आज पर्याप्त आटा रोटी बनाने के लिए है। तो वो आधा किलो आटे का स्पष्ट मना करते ही सेठ जी के दिमाग में वो बात चुभ गई कि इस बूढ़ी माँ को कल के आटे की चिंता नहीं है और तू अपनी आठवीं पीढ़ी के लिए ये आटा लेके घूम रहा है। तो वो बात सेठ जी के दिमाग में सेट कर गई, घुस गई। और सेठ जी सोचने लगे कि मैं फालतू में ही चिंता कर रहा हूँ, मेरी चिंता व्यर्थ है, मेरी चिंता का कारण अभाव नहीं है, मेरे पास कमी नहीं है, मेरी चिंता का कारण मेरे पास कमी नहीं है, मेरी तृष्णा है जो नहीं मिट रही है। तो दोस्तों वाकई में तृष्णा का कोई अंत नहीं होता है। संग्रह खोरी तो दूषण है, संतोष ही जीवन है। तो आठवीं पीढ़ी की चिंता नहीं करते हुए तृष्णा पर अपने मन का कंट्रोल रखना जरूरी है और आज में जीवन जीना जरूरी है। राम राम दोस्तों।